आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आ गया कि यूट्रस बल्की है, बच्चेदानी में सूजन है। अब इसके बाद बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, अलग अलग प्रकार की जवाब मिलते हैं आपको। कोई कहता है कुछ दवाइयां खा लो, कोई कहता है ऑपरेशन करा लो, कोई कहता है कि ये विधा उस पर काम करेगी। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी, इस विषय पे बहुत सारी भ्रम है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज हम लोग इस विषय पे एक मेडिकली हम लोग इस विषय को आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उसमें कितना सत्य है और क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो एक लेडी जिसमें बल्कि यूट्रस है या बच्चेदानी में सूजन है, क्या सेम ट्रीटमेंट हम लोग दूसरे में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन। दोस्तों हम लोग अपने इस चैनल पे ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को आम जन साधारण की भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको इसके बारे में बताएं। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग रेगुलर वीडियोस अपडेट करते रहते हैं, जैसे वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे बल्कि यूट्रस के बारे में। तो नॉर्मली यूट्रस कितना बड़ा होता है? नॉर्मली कहते हैं यूट्रस एक क्लेंस्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के बराबर होता है। अब अगर इसका साइज इससे बड़ा होगा तब उसको बल्कि यूट्रस कहेंगे। अब बल्कि यूट्रस एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, कॉमन टर्म है, इसके बारे में हम लोगों को और डिटेल में जानना चाहिए कि इसका कारण क्या है। तो दोस्तों बल्कि यूट्रस की डायग्नोसिस कैसे बनी? जैसे हम लोगों ने बात किया कि आपने अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, हो सकता है कि गायनिक कुछ इशू रहा हो तब कराया हो, या हो सकता है कि किसी और कारणों से कराने गए हो, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की रिपोर्ट में जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड है उसमें आ गया कि बल्कि यूट्रस है। अब आपका बल्कि यूट्रस, एक और चीज है, कभी कभार एमआरआई आपने कराया उसमें आ गया बल्कि यूट्रस आ सकता है। तो आपको एक डायग्नोसिस मिल गई कि, या आपको एक फाइंडिंग मिल गई, हम कहेंगे डायग्नोसिस तो नहीं, कि बल्कि यूट्रस है। अब इसके बारे में हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करें? पहली चीज है कि सिम्टम्स जानना चाहिए कि बच्चेदानी अगर सूजन है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कॉज पे, फिर हम लोग आते हैं कारण पे, कारण क्या है बच्चेदानी का सूजन का। अधिकतर केसेस में इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, एसिम्टोमेटिक होती है, आपने जांच कराई तो फाइंडिंग आ गई है जो है, तो कोई सिम्टम आपको हो सकता ना भी। और उसके बाद दोस्तों कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, कई बार हैवी ब्लीडिंग का कंप्लेन होता है महिलाओं में, कई बार पेनफुल पेन, लोअर एब्डोमेन बहुत पेनफुल है वो भी एक कंप्लेन होता है, कई बार हो सकता है कि डिस्कम्फर्ट लगे लोअर एब्डोमेन में, आपको हैवीनेस लगे, ये भी एक बच्चेदानी सूजन का एक कंप्लेन हो सकता है। लेकिन फिर कहेंगे कि डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। कॉज कैसे पता करेंगे? कॉज फिर वही अपनी सेम रिपोर्ट जो अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या एमआरआई कराया उसी में आपका कॉज भी आएगा। कई बार क्या होता है, इंसिडेंटल, पहला कारण क्या है बच्चेदानी में सूजन, उस पर हम लोग वर्कअप करेंगे। तो कई बार इंसिडेंटल एसिम्टोमेटिक फाइंडिंग होती है तो उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा दोस्तों, कई बार प्रीवियस आपके सिजेरियन हुए हो, पहले ऑपरेशन हुए हो, तब भी यूट्रस में सूजन आ सकती है, और लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। फिर दोस्तों इसमें हो सकता है कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो या जिसको रसौली कहते हैं गांठ हो, तब हम लोग इस पर कंसिडर करेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक है तो हमने जो जांचें कराई हैं उसमें उनकी लोकेशंस के बारे में जरूर मेंशन होगा कि किस लोकेशन पे फाइब्रॉइड है। अगर लोकेशन, साइज एंड नंबर, तीनों चीज को अगर हम लोग ध्यान में देंगे तो हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वास्तविक में जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं क्या वो फाइब्रॉइड के कारण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जो फाइब्रॉइड्स, जो यूट्रस की लाइनिंग है जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, जो फाइब्रॉइड्स, बड़े फाइब्रॉइड्स या छोटे फाइब्रॉइड्स लाइनिंग पे अगर प्रेशर कर रहे होंगे तब हो सकता है कि ब्लीडिंग की कंप्लेन हो। अगर ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट आवश्यक है। उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? उनका ट्रीटमेंट मोस्टली मायोमेक्टमी नाम का एक प्रोसीजर होता है, फाइब्रॉइड हटाए जाते हैं। कई कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स हैं तो उसमें यूट्राइन आर्टरी इम्पोलाइजेशन भी किया जाता है कि जिससे वो श्रिंक हो जाए साइज में। फिर दोस्तों दूसरा कारण क्या हो सकता है जिसमें आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? एडिनोमायसिस। अब एडिनोमायसिस क्या चीज होती है? इसमें क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जैसे यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो मसल्स के बीच में नहीं जाती, वो अंदर ही रहती है। तो एडिनोमायसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी हार्मोनल समस्या है कि जिससे जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो मसल्स में ग्रोथ कर जाती, मसल्स के अंदर पहुंच जाती है। तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है। इसमें ट्रिपल डिसमेनोरिया होता है, मतलब पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के बाद सीवियर पेन रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट दोस्तों मेडिसिनल होता है, मोस्टली हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। आपको कई बार हो सकता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उनकी साइकिल एक दो चलाया जाए, या और भी जो मेडिसिन होती है वो भी दी जा सकती है। कुछ पेशेंट्स में, कुछ केसेस में रेयरली बल्कि यूट्रस
कि कॉज कैंसरस भी हो सकते हैं, बट वो बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ केसेस हैं, तो उनका भी वर्कअप करना जरूरी है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा बल्कि यूट्रस में डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हैं, पहले कारण का पता लगाया जाए फिर उस कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट होना आवश्यक है, और कोई एक ट्रीटमेंट, एक लेडी का ट्रीटमेंट दूसरी लेडी पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो आप किसी जान परिचय से पूछ करके आप ट्रीटमेंट ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर सिम्टोमेटिक है कॉज पता करें, जो कॉज है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों होस्ट हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। अगली बार आपको कोई भी बल्कि यूट्रस के बारे में किसी भी लेडी में आपके जान पहचान की आती है तो आप उसको उसके बारे में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो भी आपके मन में क्यूरियोसिटीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।